सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर बनने के बाद पवनदीप राजन सिंगिंग की दुनिया में छाए हुए हैं और दोस्तों जीत के बाद उन्हें कई ऑफर और म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। जी हां, वहीं आपको बता दें कि शो में फर्स्ट रनर अप रही अरुणिता कांजीलाल को भी विनर न बनने के बावजूद भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और दोस्तों बड़े बड़े ऑफर उनके हाथ भी लग चुके हैं। दोस्तों इंडियन आइडल की वजह से दोनों की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल गई है और इसमें सोनी टीवी का बड़ा हाथ रहा है। वहीं दोस्तों खबरों की माने तो एक बार फिर से पवनदीप और अरुणिता साथ में नजर आ सकते हैं, जिनकी वजह से खूब टीआरपी मिली थी। बता दें कि सिंगर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल बहुत जल्द ही सोनी टीवी की कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट एंट्री कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ही उनके फैंस भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। बता दें कि द कपिल शर्मा शो इंडियन आइडल सीजन 12 के जस्ट बाद ही उसी टाइमिंग पर शुरू हो चुका है, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। और दोस्तों इसे और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए मेकर्स शो में पवनदीप और अरुणिता को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर सकते हैं, जिनके फेक लव एंगल की वजह से इंडियन आइडल 12 को भी खूब टीआरपी मिली थी। और तो और दोस्तों पवनदीप और अरुणिता समेत शो के सभी फाइनलिस्ट सोनी टीवी के ही डांस शो सुपर डांसर चैप्टर 4 में नजर भी आ चुके हैं। वहीं फैंस भी पवनदीप और अरुणिता को साथ में देखना पसंद भी करते हैं। जी हां, वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पवनदीप और अरुणिता को कपिल शर्मा शो में कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके बताएं जरूर।